अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम इजाज़ इजाज़ मोबाइल रिपेयरिंग में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। एक और नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज की वीडियो जो है एक छोटा सा टूल है, लेकिन बहुत काम का टूल है। फास्ट बूट मोड पे वह काम करेगा, उसके मुतल्लिका है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल इजाज़ मोबाइल रिपेयरिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन जो दोस्तों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और ये मेरी नई नई वीडियो है, इसको ज़रूर देखिएगा। आईफोन सैमसंग एमटी के स्पेक्ट्रम आईएमई के कोड चेंज करने की वीडियो है, ये नई वीडियो है। एंड्रॉयड पे ये काम करते हैं कोड, तो इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर आपने करना है क्लिक। क्लिक करने के बाद आपने एक टूल डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह की एक आर्काइव फाइल आएगी। इस आर्काइव फाइल को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का एक फोल्डर आ जाएगा, KBB फास्ट बूट टूल, इसको आप निकाल लेना है। ओपन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आएंगे। यहाँ पे आपने ये जो आइकन KBB के नाम से है, इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर येस पर क्लिक करना है। येस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये टूल ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये टूल ओपन हो चुका है। यहाँ पे अब आप देखें तो यहाँ पे आप फास्ट बूट मेन्यू में जाके फास्ट बूट मोड पे जाके अनलॉक कर सकते हैं बूट लोडर को, टेम्प्रेरी भी अनलॉक कर सकते हैं और इसको दोबारा से रीलॉक कर सकते हैं। और यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं फास्ट बूट मोड को। यहाँ पे स्टार्ट का बटन है, जो भी एप्लीकेशन करना है चेक करें और स्टार्ट पर क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन नज़र आएंगी राइट साइड पर, इन्फो, अरेज, ब्राउज और फ्लैश की। यहाँ से आप देखें यहाँ पर ये डिफरेंट ऑप्शन हैं, इनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजर डाटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इसको अरेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अरेज कर सकते हैं, यहाँ से फास्ट बूट मोड पे जाके FRP को भी रिमूव कर सकते हैं। अरेज पे क्लिक कर देंगे तो FRP रिमूव हो जाएगी। यहाँ आपको एक ब्राउज की ऑप्शन मिलेगी, ब्राउज पे आप क्लिक करेंगे तो आपने अपनी फाइल सेलेक्ट करनी है। यहाँ से जौन सी फाइल आपको देखें, यहाँ पे इमेज फाइल भी मांग रहा है, इमेज फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर फ्लैश पर क्लिक करेंगे तो इमेज फाइल जो है वो फ्लैश हो जाएगी। यहाँ पर आप रिकवरी बूट कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टूल है लेकिन बहुत ही अच्छा टूल है। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।